हमने जब आपसे पूछा कि आपको वीकली अपडेट्स चाहिए या रेगुलर अपडेट्स, तब आपने बोला आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। और अब जो रेगुलर अपडेट्स हम डाल रहे, तब आप कह रहे हो आपको वीकली अपडेट्स चाहिए, तो अब हम वापस वीकली पे स्विच कर रहे हैं। जिस बैल को 2-3 दिन से हमारी टीम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी, वो आज फाइनली हमें मिला है। ये गगल से आया है। इसकी एक जो आग है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, बहुत बड़ा छेद है इसके पीठ के ऊपर। ओह माय गॉड, बिड़ी जी क्रेजी हो रही है आज, क्योंकि आज एक छोटी सी विजिटर आई है, इनका आज बर्थडे है और ये बहुत सारा खाने के लिए भी लाए हैं, इसलिए हमारी बेटी जी मीमी टोफू सब क्रेजी हो रहे हैं। मक्खियाँ काटी जा रही हैं आज। ये जब पक जाएगा उसके बाद हम इसका कॉर्नफ्लावर बना देंगे। सवाल ये है कि हम पकने देंगे या नहीं, या उससे पहले हम इसे चट कर जाएंगे। हमारे अडॉप्टेबल्स क्यों अडॉप्ट नहीं हो रहे? ये है सुंदर बच्ची जिसका नाम है समर, देखिए कितनी खूबसूरत है। अगर आप इसे अडॉप्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक रैबिट एक डॉग की बॉडी में। ये है शर्मीली और इसका अभी अभी इसकी स्पेस सर्जरी हुई है। आप चाहें तो आप इसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अपार्टमेंट ट्रेंड है, इसको एक अपार्टमेंट में बहुत अच्छे से रहना आता है, बहुत बढ़िया लेडी है। दूसरी अडॉप्टेबल बच्ची जो है उसका नाम है जून और इसकी भी अभी अभी स्पेस सर्जरी हुई है और ये एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। संजू बाबा के साथ मेरा पाला कम पड़ता है, पर जब भी पड़ता है ये बहुत अच्छे से मुझे ग्रीट करते हैं। अच्छे शर्मीले किस्म के बकरे हैं ये, आई थिंक लड़कियों से शर्माते हैं। हमारे पास एक नया रेस्क्यू आया है आज। इसके चेहरे पे 2 मैगेट वुंड है, एक की आंखों के ठीक बीच में है और एक इसके गाल के बगल में है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही फ्रेंडली डॉग है ये। निखिलेश जी को ये दिखा है और इसको वापस पीपल फार्म लाया गया। ये डॉग हरियाणा से आया था, किन ट्रीटमेंट के लिए आए थे? शायद उनमें इतना पेशेंस लेवल नहीं था कि वो ट्रीटमेंट कर पाए, क्योंकि ये किन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक चलती है। उन्होंने इसको हरियाणा जाते जाते रास्ते में ही छोड़ दिया। सर आप ये जो इसे पहना रहे हैं मास्क जैसा, ये क्या है? नेट है, एक टाइप का फेस मास्क भी कह सकते हैं। इसकी आईज में मक्खियाँ फिर से ना बैठे और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये लगा रहे हैं। आज हमारे पास एक नया रेस्क्यू आया है। ये बछड़ा हमारे पास आया है ढगवार से। विकास जी ने इसके लिए हमें फ़ोन किया था। इस छोटे से बच्चे को मैगेट वुंड है पेट के नीचे। जिन्होंने हमें फ़ोन किया था तो शायद वो अपने लेवल पर इसकी ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मैगेट वुंड की जो साइट है वहाँ पे एक गांठ सी बन गई है काफ़ी। उस वजह से थोड़ा सा वो काफ़ी पेनफुल भी है, बस अगर अंदर रहती तो और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता था। सुरीली की गर्दन पे किसी ने घंटी बांध दी है क्यूट सी, वाओ। अभी अभी हमारा एक रेस्क्यू आया जो कि अनप्लान था। इसको बहुत बड़ा मैगेट वुंड है, ये हमारे गांव से ही है। पहले तो हमने सोचा था कि इसका ट्रीटमेंट स्ट्रीट कर लिया जाएगा, लेकिन जब हमने इसकी असल हालत जाके देखी तो हमें लगा इसको हमें क्लिनिक लाना पड़ेगा। इसकी वुंड लग रहा है कि बहुत टाइम से है, क्योंकि एक तो स्मेल बहुत ज्यादा है इसकी वुंड में, ऊपर से बहुत सारे मैगेट्स हैं, मतलब अनगिनत। गरिमा जो है वो हमारे सारे एनिमल्स का आजकल ध्यान रख रही है, एनरिचमेंट कर रही है, साथ में उनको अडॉप्ट भी करा रही है। गरिमा जी की खूबसूरत आवाज़ अगर आप सुनना चाहते हैं और अगर आप एक एनिमल को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमारी अडॉप्शन लाइन पे कॉल कीजिए। मैं आई हूँ बैक एरिया में एक छोटे से बछड़े से मिलने जिसका नाम है सरगम। तो सरगम को रॉबिन ने खुद रेस्क्यू किया था रेत से, क्योंकि ये पूरी तरह से हेल्दी है। तो पहले तो ये व्हाइट हाउस में फॉस्टर हो रहा था, लेकिन अब हमने इसको शिफ्ट किया है जहाँ पे हमारे बाकी परमानेंटली अडॉप्टेड लार्ज एनिमल्स रहते हैं। वैभव हमारे नए वॉलंटियर हैं और वैभव अपना चेहरा छुपा रहे हैं क्योंकि वो शाय है। वैभव चश्मा उतारने से क्या हो जाएगा यार। मैंने आपको इस बछड़े के बारे में बताया था जो हमारे पास कल आया है घगवार से, अपनी माँ को ढूंढ रहा है दूध पीने के लिए। जब इसको हमारी टीम ने रेस्क्यू किया था इसकी माँ आसपास कहीं नहीं थी। हो सकता है कि शायद या तो इसकी माँ क्योंकि लैक्टेटिंग थी तो उसे उठा के ले गए होंगे, या फिर इसको अबैंडन कर दिया है। स्पॉट जनरली सेकेंड हाफ में एनिमल एरिया के आसपास ही मंडराता रहता है, ताकि ये इस ताक में होता है कि कब कोई एनिमल बाहर निकले और कभी उस पर झपटे। हमारे पास एक बैल आया है मटौर से, काफी गुस्से में ये बैल भैया की जो उंगलियां ये हालत कर दी है इसने। इसके लिए हमें हनी सिंह जी ने फोन किया था मटौर से। इसको मैगेट वुंड है, बेचारे को किसी ने दराट मारा है। ये क्या नजारा, ये दोनों देखो कैसे सोई हुई है मेरे को देख के। मीमी क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों दुखी हो? इससे तो मैं बात ही नहीं कर रही बेटी। यस यू, तुम्हारे बारे में बात हो रही है।
तो ज्वाला जो है वो अडॉप्ट हो चुकी है, दिल्ली जाने वाली है ये। ज्वाला की जो स्टरलाइजेशन सर्जरी आज होनी है उसकी तैयारी चल रही है। हर बार मेरा लक इतना अच्छा नहीं होता कि मेरे को अंदर जाने को मिलता है। पिछली बार जब मैं गई थी तो मैं लकी थी। एक गुड न्यूज ये है कि जो काजल है ये जा रही है कल कुल्लू सुनीता जी के पास। इसको एक अच्छा सा परिवार, अच्छा सा घर मिल गया है। कुछ देर पहले रेत से हमारे पास ये बैल आया है। इसको पीनस पे एक वुंड है। खेतों में रहता है, तारों में फंसने की वजह से हो सकता है वुंड। कोई आ गया हो, किसी ने भगाया हो इनको खेतों से, तो ये तारों में फंस के वुंड हो गया। ये जो दीवार पे चिपके हुए हैं इनका नाम है उपले। गाय के जो गोबर होता है उससे बनते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं दीदी? ये धुआं के लिए, मच्छर काटता ना उसके लिए। जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उसके दरवाजे के बाहर आते ही इतनी अच्छी महक आने शुरू हो जाती है कि फिर मन करता है कि यहीं पे डेरा जमा के बैठ जाओ। भाई जी ये लाल रंग का जो डब्बा है ये सोलर कुकर है। ये रियूजेबल बॉटल्स हैं। इन हाउस हम लोग जो कम्बुचा लेते हैं वो इनमें डलती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बॉटल्स एक तरह से स्टरलाइज हो रही है ना। हाँ जी। मैं आई हूँ हमारे फार्म के बैक एरिया में जहाँ हमारा पॉली हाउस है, साथ में बिंद्रेश भाई का घर भी है। यहाँ पे क्या चल रहा है? जर्मिनेशन ट्रेस बना रहे हैं हम। जो हमारे पास पुरानी लकड़ी के स्क्रैप पड़े हुए थे उसको हम यूज करके अभी जर्मिनेशन ट्रेस बना रहे हैं ताकि हम हमारी पनीरी या नर्सरी उसमें लगा सकें। जो डॉग आज बनखंडी से रेस्क्यू होके आया उसकी हालत बहुत खराब थी, हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी। पहले गौरव भाई ने ये डिसाइड किया था कि वो उसे अपने पास ही फॉस्टर करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी वहीं पे करेंगे, लेकिन अब गौरव भाई ने ये डिसाइड किया कि वो इसको अडॉप्ट ही कर लेंगे। अच्छा लगता है, अच्छा मतलब। गौरव भाई के कहने का मतलब ये है कि डूइंग गुड फील्स ग्रेट।